ब्लू कॉलर ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का पॉपुलर फीचर जो आपको ट्रू कॉलर में मिलता था, अब ये फीचर दोस्तों आपको ट्रू कॉलर में देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों जो फीचर ट्रू कॉलर से हटाया जा रहा है, ये हटाया जा रहा है दोस्तों गूगल की जो 11 मई को नई पॉलिसी आ रही है उसके तहत। दोस्तों यहाँ पर ट्रू कॉलर ने ऐसा ऐलान किया है कि फीचर अब आपको नहीं मिलेगा। तो क्या है ये फीचर दोस्तों, कैसे काम करता था, किस सही से हम सभी के लिए यूजफुल था, सारी डिटेल दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों जो गूगल की नई पॉलिसी आ रही है उसका दोस्तों ट्रू कॉलर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिन पे दोस्तों असर पड़ने वाला है। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों हम अपने स्मार्टफोन में जब भी दोस्तों किसी को कॉल करते हैं तो कई बार दोस्तों हम चाहते हैं कि उसकी कॉल रिकॉर्ड हो जाए, और ये फीचर दोस्तों कई बार हमें स्मार्टफोन में मिलता है, नहीं तो दोस्तों हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हैं। ऐसे ही दोस्तों इसी चीज को देखते हुए गूगल जो है एक नई पॉलिसी लेकर आ रहा है जो कि दोस्तों 11 मई से यहाँ पे लागू होने वाली है, जिसके तहत दोस्तों सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कि कॉल रिकॉर्डिंग फीचर देती हैं, तो उन पर दोस्तों यहाँ पर शिकंजा कसा जा रहा है कि आप दोस्तों थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा आप किसी भी एंड्रॉइड फोन में दोस्तों यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। इसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर ट्रूकॉलर ने ये ऐलान कर दिया है कि ट्रूकॉलर में अब आपको यहाँ पर दुनिया भर में कहीं पे भी दोस्तों ट्रूकॉलर में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ट्रूकॉलर ही नहीं बल्कि जितनी भी यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है, जिन्हें आप दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं, तो वो दोस्तों आप प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन दोस्तों अगर आपके फोन में नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है तो वो दोस्तों 11 मई के बाद भी दोस्तों वो चलती रहेंगी, लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो भी हैं जिन एप्लीकेशन को आप कॉल रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते थे अपने एंड्रॉइड फोन में, तो अब दोस्तों आप उन एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाओगे, उन एप्लीकेशन के द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। यहाँ पे दोस्तों जो iOS फोन थे, जो iPhone वगैरह थे, उनमें दोस्तों पहले से ही दोस्तों इस फीचर को नहीं दिया जाता था प्राइवेसी को देखते हुए, और अब दोस्तों गूगल ने भी यहाँ पर जो लोग हैं उनकी प्राइवेसी को देखते हुए इस फीचर को हटाने का ऐलान कर दिया है। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी सबसे पहले उन पर शिकंजा कसने का यहाँ पर ऐलान कर दिया है, जो कि दोस्तों 11 मई के बाद से यहाँ पर ये फीचर जो है अब काम नहीं करेंगे। वीडियो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं एक एक्साइटिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।